अरे तुम एक काम करो, बीच में ला दे कोई बात नहीं। आ रहा है शामली मार्ग पे तितावी थाने के सामने, बताइए इसके बारे में। नहीं, धरना नहीं है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखी के कैंडिडेट ने ढिंडावली से, लड़वा से और अमीन नगर से बीडी सीज को अगवा किया है बलात्, उसके साथ बताया पुलिस के सिपाही भी थे और उसने अगवा किया तो उनके परिजन जिनके लोग अगवा हुए हैं वो यहाँ FIR दर्ज कराने आए थे, उनके साथ उनके गांव के लोग भी आए। हम लोगों को पता लगा कोई अप्रिय घटना ना घटे तो हम लोग भी आए। अगर पुलिस चाहती उनकी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करके उनके लोगों को छुड़वा देते, जिले के इंटरेस्ट में तो यही है। अभी चुनाव भी प्रारंभ नहीं हुए, एक बघराई ब्लॉक नहीं है, 8 ब्लॉक और भी है। अगर सारे ज़िले में यही काम शुरू हो गया तो क्या होगा। हम ये जानते हैं कि थोड़ा बहुत पक्ष विपक्ष हुआ करता है, परंतु जिले के प्रशासन को चलाने का काम अधिकारी क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी करते हैं। यहाँ अगर राजनीतिक आदमी इसको जिला प्रशासन को चलाने लगेगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा। दो ही रास्ते हैं, या तो जनता सड़क पर आवे या लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखते रहे। और हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, हमने तो उनके परिजनों को यही आश्वस्त किया है कि देखिए आप अपनी बात रख लो, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो हम अहिंसक तरीके सत्याग्रह का रास्ता चुनेंगे, सत्याग्रह करेंगे और दूसरी पार्टी से, जो अपोजिशन की दूसरी पार्टी है उनसे बात करेंगे, सामाजिक संगठन है उनसे बात करेंगे, अराजनीतिक संगठन है उनसे बात करेंगे और सब कर भी रहे हैं। यहाँ लोकदल भी है, यहाँ सपा भी है, यहाँ भारतीय किसान यूनियन भी है, कांग्रेस भी यहाँ बैठी है, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, शहर अध्यक्ष भी हैं, युवा के अध्यक्ष भी हैं और हमारे उपाध्यक्ष भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये प्रशासन पर डिपेंड करेगा। पर मुझे अफसोस है कि जिला प्रशासन इतने हड़के में ले रहा। भाई अभी तारीख भी डिक्लेयर नहीं हुई, कहकर कैंडिडेट को कहते भाई आका तू अब छोड़ दे, फिर देख लिए अब से कैसे झेलेंगे। 9 ब्लॉक हैं और जिस बघरे ब्लॉक में घटना हुई है, 82 के बाद कभी चुनाव नहीं हुआ, आपसी सहमति से निर्विरोध प्रमुख बने हैं। और अगर वोटर फ्री रहेगा तो मैं दावे चुनौती के साथ कह रहा हूं कि फिर निर्विरोध बनवा देंगे। कौन बनेगा ये तो मतदाता तय करेंगे, पर बघरे के लोगों में इतनी आपस में लिहाज शर्म है कि निर्विरोध प्रमुख फिर बना लेंगे। पर ये बलात् उठाओगे, पुलिस की मदद से उठाओगे, पुलिस निष्क्रिय रहेगी, ये तो मजबूर कर रहे हैं लोगों को यहाँ बैठाने के लिए। समाधान नहीं निकला, समाधान नहीं। ये चाहते हैं कि तुम्हारा ये संदेश हाईकमान तक जाए, ये पता लगे कि ये थानेदार, ये सर्किल अफसर, ये एडिशनल SP SSP भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए अपोजिशन के लोग वहाँ बैठे हैं। अपोजिशन पर लाठी चलावें, डंडा चलावें, गोली चलावें, उतने ही इन्हें बहादुरी मिलेगी, इनकी पीठ थपथपाई जाएगी। ये लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। तो अधिकारी तो अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि उनकी पीठ थपथपाई जाए, इसके लिए उन्हें लाठी गोली जो भी चलाना पड़ेगा चलाएंगे इन लोगों पर। धरना दिया जा रहा है तितावी थाने के बाहर। तितावी थाने के बाहर धरना दिया जा रहा है क्योंकि बिल्कुल
सत्ता में बैठे हुए लोग गुंडे ही पे उतर आए हैं। चुनाव की कोई डेट नहीं है अभी, और अभी इस तरह जो है इस तरह की हरकत कि आप वोट को इस तरह जो है घर में से ज़बरदस्ती काट के जो है उसे उठा के ले जाओगे और पुलिस साथ में, तो ये तो जो है एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे नहीं चुनाव होते, कैसे चुनाव होंगे ऐसे जो, बताइए क्या संदेश जा रहा है। देर हो चुकी है, उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत? उच्च अधिकारियों से हमारी कोई बात नहीं हुई अभी, वार्ता के लिए जो अधिकारी हैं एसओ और सीओ वो आए थे, उनको हमने बता दिया है। कब तक चलेगा धरना? धरना चलेगा जब तक वो घर नहीं पहुंचता, जब तक धरना चलेगा। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी आने वाले हैं, तो लगातार पहले प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा, दबाव की राजनीति क्यों कर रहे हैं जो इस तरह से जो है इस तरह। अच्छा आप बताओ कैसे चुनाव हो जाएगा इस तरह, जब इस तरह से ये हरकतें करेंगे, दबाव बनाओगे, ज़बरदस्ती घरों से उठा कर ले जाएंगे, तो कैसे चुनाव कर पाऊंगे? ये प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है क्या? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो बता रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। वीडियो को तो आप देखो, उस वीडियो को उसमें देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो दबाव में है और उससे कहलवाया जा रहा है, उसे घर भेज दो, जहाँ उसकी मर्जी वहाँ चला जाएगा। अब उसकी पत्नी बैठी, उसका परिवार बैठा, वे दुखी हैं, तो क्या वो मतलब उसके कैसे मान लें कि उसे देखने में ऐसा लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा, दबाव में? तहरीर दी है उसकी पत्नी, क्या चाहते हैं? चाहे जिन्होंने जो गुंडे दिखाए उनके खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा कायम हो। कौन कौन है गुंडे दिखाने में, किसके नाम? अभी यहाँ के जो चुनाव लड़ रहा गौरव है, चल रहा है उसके बारे में बताइए। ये धरना तो शोषण के खिलाफ देना ही पड़े, पर जिसकी सत्ता है वो धिकाना करे अपना। चुनाव थे, चुनाव का मतलब लोकतंत्र है, तो जहाँ जैसे वोट डालने अपना डाल देते भाई, जबरदस्ती उठा कर लेके उसे वहाँ से झिनावली बोलते, गलत बात है। किसे लेके गए और कौन लोग लेके गए? बीडीसी है और प्रमुख का चुनाव है बगरा में क्या सारे को यहाँ प्रदेश में, तो अभी तो चुनाव की डेट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या मामला है? एक ये झलक जा रही जनता में, ये झलक जा रही कि इस तरह भी हम कर दें भाई, आप चुनाव लड़ने वालों को भयभीत कर रहे हैं। ये जिला पंचायत इनका टारगेट है, ये तो इनका ट्रायल कराया ना, ये एक ड्राए गए मेंबरों को, तो ऐसा थोड़ा चलेगा। मान हम तो नहीं भी कहें, अगर आपकी कोई और वोट ले जाएगा ठहरा के, तो हम कहोगे तो मेरी वोट थी बीजेपी वाले, तो उनके साथ भी हैं। अच्छा, विपक्ष पूरी तरह से एक हो चुका, आप भी हैं यहाँ पे, कांग्रेस भी है, रालोद भी है, तो किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, विपक्ष एक अलग चीज़ है, शोषण की लड़ाई है, यहाँ विपक्ष वाला मामला अलग है। ये तो भारतीय किसान यूनियन है, ये तो जो सत्ता में पार्टी आएगी उसका विपक्ष माननी जा, जिसका शोषण हो रहा है उसकी सियासत भारतीय किसान यूनियन है। जब तक इसका समाधान ये नहीं निकालते कुछ भी, उसे स्वतंत्र करके अपने घर छोड़ दे, हमने देखा, और दो दिन बाद उसके बयान होंगे, वो कहाँ जाना चाह, एक वीडियो जारी कर रहे हैं, ये तो एक पुराना तरीका है, पुराना फंडा है, वह वीडियो करो इसकी जारी, तो अब ये तो कह रहा है कि मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है, देख रहे होंगे आप भी। इंद्र कुमार, ग्राम ढिंडावली, बीडीसी मेंबर, मैं अपनी मर्जी से कहीं बाहर आया हुआ हूँ और मेरी घरवाली को कुछ लोग थाने में ले जाकर हंगामा मचा रखा, उसे बुलवाओ, यो करवाओ, वो करवाओ, मैं 3 बार एसओ को भी कह लिया जी मेरी बात करवाओ, कोई ड्रामा है कहो, हम में कहा बेइज्जती करवा रहे और मेरी बात नहीं हो रही बिल्कुल भी, मेरी बात करवाई जा जी, मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, मैं संतुष्ट हूं, तो कोई बात ही नहीं है भाई, बात नहीं हो रही, कभी पब्लिक नहीं, कभी उसका पब्लिक प्रदर्शन, फलान ढिगड़ा जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें क्या परेशानी नहीं हो रही,